गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर देवेश बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। आज अपन बीए सेकेंड ईयर की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान में जो प्रथम पेपर है उसमें प्रमुख राज व्यवस्थाएं के नाम से है। प्रमुख राज व्यवस्थाओं में कुल पांच संविधान है, जिसमें पहला संविधान ब्रिटेन का, दूसरा अमेरिका का संविधान, तीसरा स्विट्जरलैंड का, चौथा फ्रांस का और पांचवा चाइना का। पांच यूनिट में पांच अलग अलग देशों के संविधान हैं। हम बारी बारी से इन संविधानों के ऊपर बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे। आज जो अपन शुरू करने जा रहे हैं वह ब्रिटेन का संविधान। विश्व में ब्रिटेन एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा देश है जो कई मामलों में अद्वितीय माना जाता है। कई मामले इसलिए बताए मैंने कि विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र भी यहाँ विद्यमान है, विश्व की सबसे प्राचीन संसदीय शासन व्यवस्था भी यहाँ पर विद्यमान है, द्विदलीय व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, इन सबका घर भी ब्रिटेन है। एक और अनोखी बात जो ब्रिटेन में देखने को मिलती है वो है अलिखित संविधान। विश्व का एकमात्र देश संविधान में लिखित रूप में नहीं मिलता। एक और विशेषता की विधि का शासन, ये सारी जो चीजें हैं ब्रिटेन को विश्व से एक अलग राज्य, एक विशेष राज्य का मुकाम प्रदान करते हैं। हम आज ब्रिटिश संविधान को शुरू करते हुए सबसे पहले ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं समझेंगे। अगर हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं समझ जाते हैं तो तात्पर्य यह है कि हमने ब्रिटेन के संविधान की मोटी मोटी जो रूपरेखा है, उसका एक ढांचा है, हम उसको अच्छी तरह से समझ पाने में कामयाब हो गए। फिर उसके ऊपर हम बारी बारी से जो उसके यहाँ पर विभिन्न संस्थाएं हैं, चाहे वो सम्राट हो, चाहे वो संसद हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल जैसी संस्थाएं हो, अब उनके ऊपर बारी बारी से अलग से चर्चा करेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विशेषताएं। पहले इसका लिखित संविधान। मैं भी आपको बता चुका हूं कि विश्व में एकमात्र राज्य ब्रिटेन ही है जिसका संविधान में लिखित रूप में नहीं मिलता। हम बात भारतीय करें, बात अमेरिका की करें, बात स्विट्जरलैंड की करें, रशिया हो, चाइना हो, फ्रांस हो, श्रीलंका, एनी वे कोई भी कंट्री, कोई भी देश, सबके संविधान हमें एक लिखित दस्तावेज के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे भारत, हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ, 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान सभा के द्वारा लंबे समय 2 साल 11 माह 18 दिन तक लगातार विचार विमर्श करने के उपरांत इस संविधान का निर्माण किया गया। हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका का संविधान भी इसी प्रकार से एक संविधान सभा के द्वारा ही बनाया गया था। इसका मतलब विश्व में कहीं पर भी जो संविधान में लिखित रूप में मिलते हैं वो एक संविधान सभा द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन ब्रिटेन का संविधान हमें किसी भी रूप में लिखित रूप में नहीं मिलता, यानी कि एक संवैधानिक दस्तावेज जिसे भारत का या अमेरिका का है उस प्रकार का दस्तावेज ब्रिटेन का नहीं है, इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान माना जाता है। दूसरी बात ध्यान दीजिए, दूसरा बिंदु है अलिखित होते हुए भी लिखित संविधान। हाँ, ये सच्चाई है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, लेकिन साथ में ये भी सच्चाई है कि कुछ ऐसी चीजें हैं ब्रिटेन में जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होती है, वो विभिन्न अधिनियम जो ब्रिटिश संसद के द्वारा समय समय पर पारित किए गए हैं, वो सारे अधिनियम, सारे कानून, न्यायालय के द्वारा की गई व्याख्याएं, न्यायालय टिप्पणियां, टीकाएं, वो सारी चीजें हमें लिखित रूप में मिलती है। और कोई भी कानून जो किसी राज्य की संसद के द्वारा बनाया जाता है वो संविधान का एक भाग होता है। इसलिए ब्रिटेन का संविधान अलिखित होते हुए भी लिखित है। क्यों? क्योंकि संसद के द्वारा जितने भी कानून बनाए गए हैं वो कानून भी संविधान का भाग होते हैं। न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं वो निर्णय भी संविधान का भाग होते हैं। इस कारण से ब्रिटेन का संविधान अलिखित होते हुए लिखित भी माना जाता है। तीसरा, लचीला संविधान या कठोर संविधान हम उस आधार पर मानते हैं कि किसी राज्य का संविधान या किसी राज्य के संविधान में किस प्रकार से परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है।
जैसे कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान माना जाता है, क्योंकि उस संविधान में संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है, और विशेष प्रक्रिया को अपनाए जाने के कारण से अमेरिका का संविधान बहुत जटिल है, बहुत कठोर है। 1789 में 1789 में अमेरिकी संविधान लागू हुआ, और आज तक 230 साल के करीब हो चुके हैं, आज तक उसमें मात्र 27 संशोधन ही हुए हैं। और जहां तक बात भारत के संविधान की है, भारत का संविधान मिश्रित संविधान माना जाता है, कुछ भाग कठोर है, कुछ भाग लचीले हैं। इस कारण से ब्रिटेन का संविधान बहुत लचीला, जिस प्रकार से किसी भी कानून में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, एक सामान्य बहुमत के द्वारा, संसद के द्वारा कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, उसी भांति ब्रिटिश संविधान में भी जो भी परिवर्तन करना हो आसानी से बिना किसी विशेष प्रक्रिया के संसद अपने बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। इसका मतलब कि ब्रिटिश संविधान में परिवर्तन करने के लिए कोई विशेष व्यवस्थाएं नहीं है, और इस कारण से ब्रिटिश संविधान आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए यह लचीला माना जाता है। अगला बिंदु है विकसित है, निर्मित नहीं। मैंने अभी बताया था भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, चाइना या किसी भी देश का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, यानी कि निर्माण किया गया है, लेकिन ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि इसका समय के साथ सने सने विकास हुआ है। जो भी चीजें, जो भी संस्थाएं ब्रिटेन में आवश्यक समझी गई, समय के साथ वो बनती चली गई। जैसे ब्रिटिश संसद का जो निर्माण है वो 1707 के एक्ट के द्वारा हुआ, इसका मतलब समय के साथ जिसकी आवश्यकता वैसी बन गई। प्रधानमंत्री का पद, मंत्रिमंडल की चीजें, ये सब कुछ समय के साथ बनते चले गए। जैसे 1911 और 1949 के जो संसदीय अधिनियम थे, उसने संसद की गरिमा को एक नया रूप दे दिया। लोकसभा की शक्तियां धीरे धीरे इन अधिनियमों से कॉमन सभा के हाथ में चली गई। इसका मतलब यह है कि समय के साथ जैसी आवश्यकताएं महसूस हुई ब्रिटेन के लोगों को, वैसे की वैसी चीजें कानून के द्वारा स्थापित होती चली गई, और संविधान समय के साथ विकसित होता चला गया, और आज भी ये विकास की प्रक्रिया पर, विकास के पथ पर चल रहा है, निरंतर इसका विकास जारी है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, यानी कि हम सिद्धांत रूप में जो देखते हैं वास्तव व्यवहार में नहीं, सिद्धांत कुछ अलग है, व्यवहार कुछ अलग। जैसे बात करें संप्रभु के संबंध में, आज भी ब्रिटेन में समस्त शक्तियां, या यूं माने कि संप्रभु यदि कोई है तो ब्रिटिश सम्राट, लेकिन सच्चाई है कि ब्रिटिश सम्राट के पास कोई भी शक्ति नहीं, चाहे वो व्यवस्थापिका की बात करें, चाहे वो कार्यपालिका की बात करें, चाहे वो न्यायपालिका की बात करें, कुछ भी, सब कुछ शक्तियां ब्रिटिश सम्राट में समाहित है, लेकिन ब्रिटिश सम्राट कुछ भी नहीं करता। सारी सारी शक्तियां देखा जाए तो मंत्रिमंडल के हाथ में, और मंत्रिमंडल सर्वे सर्वा है, मंत्रिमंडल जो चाहे वैसा कार्य कर सकता है, और सम्राट को वैसा करना ही होता है। इसे सिद्धांत रूप में सर्वोच्च संस्था सम्राट है, लेकिन व्यवहार में सर्वोच्च संस्था मंत्रिमंडल है। दूसरी बात संसद के संबंध में, संसद आज भी संप्रभु है। कहते हैं कि ब्रिटिश संसद कुछ भी कर सकती है सिवाय स्त्री को पुरुष बनाने और पुरुष को स्त्री बनाने के। आज भी ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि संसद ये सर्वोच्चता है, यानी कि सिद्धांत रूप में यह कहा जाता है कि संसद सब कुछ है, लेकिन वास्तविकता यह है कि संसद मंत्रिमंडल के हाथों की कठपुतली मानता है। मंत्रिमंडल पूर्ण बहुमत में हो तो संसद से कोई भी कार्य करवा सकता है, किसी भी प्रकार का विधेयक पारित करवा सकता है, कोई भी निर्णय कर सकता है। इसका मतलब सिद्धांत रूप में आज भी संसद सर्वोच्च शक्तिशाली है, संसद सर्वोच्च है, लेकिन व्यवहार में संसद सर्वोच्च नहीं, वहां पर मंत्रिमंडल ही सर्वोच्च है। शक्ति पृथक्करण के संबंध में फ्रांसीसी विद्वान हुए थे मोंटेस्क्यू, और मोंटेस्क्यू ने सिद्धांत किया था शक्ति पृथक्करण, और उसने ब्रिटिश संविधान का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण है। शक्ति पृथक्करण का मतलब होता है कि तीनों शक्तियों का एक दूसरे से पूर्णतया पृथक होना, तीन शक्तियां व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेकिन ब्रिटेन में वास्तव में शक्ति पृथक्करण नहीं है। मैं आपको यह भी बता दूं कि संसदीय शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण संभव नहीं है, यह केवल अध्यक्षीय शासन की विशेषता होती है संसदीय के लिए। इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का निर्माण होता है, यानी जो सदस्य व्यवस्थापिका के होते हैं उन्हीं में से मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, इसलिए व्यवस्थापिका में से मंत्रिमंडल निकलती है, क्योंकि दोनों एक साथ है, और ये दोनों मिलकर न्यायपालिका को नियंत्रित भी करती हैं,
न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति भी करती है, उनके वेतन भत्तों का भी निर्धारण करती है, उनके खिलाफ महाभियोग लगाकर उनको हटा भी सकती है। इसका मतलब ये दोनों मिलकर न्यायपालिका को भी नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस कारण से शक्ति पृथक्करण ब्रिटेन में संभव नहीं है। तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था ऊपर से देखने में यह लगता है कि शक्ति पृथक्करण है, लेकिन वास्तव में शक्ति पृथक्करण नहीं है। अगला विधि का शासन, ये ब्रिटिश व्यवस्था की अनोखी विशेषता है। ब्रिटेन में आज भी विधि सर्वोच्च, विधि तो संसद के द्वारा पारित की गई है, विधि जो संसद के द्वारा पारित करने के उपरांत लागू कर दी गई वो सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है। विधि के समक्ष सभी समान है, चाहे सम्राट हो, चाहे संसद के सदस्य हो, चाहे न्यायपालिका के सदस्य हो, चाहे नौकरशाही के सदस्य हो, ये आम जन सबके साथ विधि समानता का व्यवहार करते हैं, इसलिए विधि के समक्ष सभी समान है। तो डायसी ने भी इस प्रकार की व्याख्या करते हुए लिखा है कि ब्रिटेन में विधि का शासन, और हम ये मानकर भी सकते हैं कि ब्रिटेन में सब कुछ अगर इसके अधीन है तो विधि के अधीन है, यानी एक रूप में यूं कहें कि वहां पर विधि की सर्वोच्चता है। तो विधि का शासन ब्रिटिश प्रणाली की अनोखी विशेषता है। अगले संसदीय सर्वोच्चता, अभी मैं बात कर चुका हूं कि ब्रिटिश संसद के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद कुछ भी कर सकती है सिवाय स्त्री को पुरुष बनाने और पुरुष को स्त्री बनाने के, यानी कि देश का जो भी शासन है, शासन का संचालन है, शासन के लिए जो भी निर्णय किए जाने हैं, जो कानून बनाए जाने हैं, वो सारे के सारे कार्य ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जाता है, और इस कारण से संसदीय सर्वोच्चता वहां पर पाई जाती है। संसदीय सर्वोच्चता इस रूप में कि संसद कुछ भी कर सकती है, संसद के दोनों सदन मिलकर निर्णय करते हैं, कानून बनाते हैं, जो भी चाहे वैसी व्यवस्था स्थापित करते हैं, इसे संसदीय सर्वोच्चता। हालांकि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है, ये अपन बात कर चुके हैं। अगला संसदीय संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली उस शासन व्यवस्था को कहा जाता है जहां कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन उसको कहा जाता है जहां कार्यपालिका को अपने उत्तरदायित्व के कारण से व्यवस्थापिका को जवाब देना होता है। संसदीय शासन उसको कहा जाता है जहां पर व्यवस्थापिका कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकते हैं, यानी कि दोनों का आपस में एक ऐसा गठजोड़ है, एक ऐसा उत्तरदायित्व है जो दोनों को बांधे रखता है। और संसदीय शासन व्यवस्था उसको कहते हैं जहां पर व्यवस्थापिका कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाती भी है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर विभिन्न तरीकों से नियंत्रण भी रखती है। जब चाहे कार्यपालिका व्यवस्थापिका के निम्न सदन जैसे कि भारत में लोकसभा, ब्रिटेन में कॉमन सभा, इनको समय से पहले विघटित भी कर सकती है। ऐसी शासन व्यवस्था को कहा जाता है संसदीय कार्यपालिका। और संसदीय कार्यपालिका है, संसद के तीन अंग है, सम्राट, लोकसभा, कॉमन सभा। सम्राट को संसद का अंग इसलिए बनाया गया है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किया गया कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बनता जब तक कि सम्राट के हस्ताक्षर उसके ऊपर नहीं हो जाते, यानी कि सम्राट एक प्रकार से संसद द्वारा किए गए कार्यों को प्रमाणित करके लागू करने का कार्य करता है। भारत में भी संसद के अंग के रूप में हम राष्ट्रपति को मानते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। वैसे ही ब्रिटेन में भी सम्राट, लोकसभा और कॉमन सभा मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, इसलिए ब्रिटिश व्यवस्था में संसदीय शासन प्रणाली है। एक और बात, ब्रिटेन को या ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था को विश्व में संसदीय शासन व्यवस्था का जनक कहा जाता है, यानी कि विश्व में सबसे पहले अगर संसदीय शासन व्यवस्था कहीं स्थापित हुई थी वो था ब्रिटेन, और ब्रिटेन के उपरांत ये विश्व के अन्य देशों में फैलता चला गया। भारत चूंकि ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था, इसलिए भारत में भी ब्रिटेन के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था का ही विकास किया गया। अगला है अभिसमय, ये एक अलग अनोखी विशेषता है। अभिसमय का तात्पर्य इस बात से है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्थाओं में कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसे रीति रिवाज, कुछ ऐसी प्रथाएं प्रचलित है जिनके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। हम पहले के संविधान की बात करते हैं, चूंकि संविधान लिखित नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहां पर जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो सम्राट हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मंत्रिमंडल हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो कॉमन सभा हो,
एक ऐसी चीज है जो सबको नियंत्रित करती है और वो चीज है अभिसमय, यानी कि परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज, जो कि ब्रिटिश लोग रूढ़िवादी होते हैं और आज भी रूढ़िवादी माने जाते हैं, इसलिए वो इन सब चीजों से संचालित होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दूं मैं आपको कि ये एक नियम है कि सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन इस चीज को अभिसमय प्रभावित करता है। कैसे? इस रूप में कि अभिसमय या प्रथा या परंपरा या रिवाज ये है कि सम्राट प्रधानमंत्री नियुक्ति अवश्य करेगा, लेकिन वो कॉमन सभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, यानी कि उसकी मर्जी नहीं सकती, सम्राट ये नहीं कर सकता कि जिसको भी चाहे उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे। वो किस चीज से बना हुआ है? अभिसमय से। वो उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो कॉमन सभा में बहुमत दल का नेता होगा। इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था को बांधे हुए, जकड़े हुए हैं, वो उससे बाहर नहीं जा सकते। न केवल ब्रिटिश शासन व्यवस्था बल्कि ब्रिटिश लोग भी इस अभी समय से इतने प्रभावित है, इतने नियंत्रित है कि वो भी इनका उल्लंघन नहीं करते। इसलिए अभी समय ब्रिटिश शासन व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। अगला, सीमित या संवैधानिक राष्ट्र। सीमित या संवैधानिक इसलिए कि कहने के लिए सम्राट सब कुछ है, सम्राट के हाथों में सारी शक्तियां हैं, सम्राट संप्रभु है, लेकिन वास्तव में सम्राट के पास कोई भी शक्ति नहीं, सीमित शक्तियों का वो प्रयोग करता है। जो कार्य संसद के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा उसको सौंपे जाते हैं, उसको दिए जाते हैं, सम्राट केवल वही कार्य करता है। इसलिए राजतंत्र है वहां पर, क्योंकि राजा है, लेकिन राजा सीमित शक्तियों का प्रयोग करता है, इसलिए उसको सीमित राजतंत्र या संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। और आज तक जितने भी सम्राट वहां पर थे, किसी भी सम्राट ने ब्रिटिश शासन व्यवस्था में संवैधानिक विकास को, लोकतंत्र के विकास को रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि सहयोग किया। जो भी संस्थाएं समय के साथ बनी, उन संस्थाओं को स्थापित करने में सम्राट का भी अहम योगदान रहा है। इसलिए ब्रिटिश शासन व्यवस्था सीमित और संवैधानिक राजतंत्र वाली शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन, इस रूप में देखें तो विश्व में दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है, एकात्मक और संघात्मक। जैसे कि अमेरिका या भारत संघात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण। संघात्मक शासन व्यवस्था मतलब होता है दोहरी सरकार है। दोहरी कौन सी? एक केंद्र की सरकार होगी और एक राज्य की। जैसे भारत में एक केंद्र की सरकार और 29 राज्यों की सरकार है। इसका मतलब दो प्रकार की सरकार है जहां पर हो, उसको संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। ब्रिटेन में दोहरी शासन व्यवस्था नहीं, इखरी व्यवस्था है। एक ही सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की कोई सरकारें नहीं। इसलिए ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जो भी कार्य किया जाता है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वो सारे सारे एकमात्र केंद्र सरकार के द्वारा ही लिए जाते हैं। एक ही सरकार वहां पर कार्य करती है, इकरा ढांचा वहां पर विद्यमान है। इसलिए ब्रिटिश शासन व्यवस्था को कहा जाता है एकात्मक शासन व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था, ये भी ब्रिटिश शासन व्यवस्था की एक अनोखी विशेषता है। हमेशा से, जब से वहां पर संसदीय शासन प्रणाली का विकास हुआ, तब से दो ही दल रहे हैं, प्राय मुख्य रूप से दो ही दल। सबसे पहले दो दल जो उदय हुए, जो सामने आए, वो था कैवलियर्स और राउंडहेड्स। इनके बीच में सत्ता का संघर्ष होता था। धीरे धीरे इनकी शक्तियां क्षीण हुई और दूसरे दल उभरे, जिसमें एक था टोरी और एक विग। ये दो दल उभरे, समय के साथ इनके बीच में सत्ता का संघर्ष चला और फिर ये भी रसातल में चले गए और दो नए क्रांति दलों को हुआ, अनुदारवादी और उदारवादी। इनके बीच में सत्ता संघर्ष जारी रहा। आज उदारवादी का स्थान मजदूर दल ने ले लिया, लेबर पार्टी ने, और ऐसा नहीं कह सकते उदारवादी दल पूरी तरह से खत्म हो गया है, ये और दूसरे दल नहीं है, वहां पर भी कई छोटे दल हैं, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं है कि किसी भी रूप में सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर सके या सरकार का निर्माण कर सके। वो सत्ता को प्रभावित करने की क्षमता भी नहीं रखते, मुख्य रूप से इन दलों के बीच में टक्कर चलती रहती है। अनुदारवादी दल आज भी ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सबसे प्रमुख दल है, उसके अलावा मजदूर दल और उदार दल, इनके बीच में संघर्ष चलता रहता है। अगला, मिश्रित संविधान। यहां पर तीन चीजें देखने को मिलती है, राजतंत्र, कुलीनतंत्र और लोकतंत्र। तीन संस्थाएं यहां पर, सम्राट राजतंत्र का प्रतीक है क्योंकि वो राजा है, राजतंत्र आज भी विद्वान है, सबसे प्राचीन राजतंत्र है। और दूसरा है लोर्ड सभा, लोकसभा कुलीनतंत्र का प्रतीक है, एक आनुवंशिक सदन है। लोकसभा कुलीनतंत्र का इसलिए प्रतीक है कि
जितने भी कुलीन व्यक्ति होते हैं प्रागुर लोकसभा में सदस्य के रूप में चुन लिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। इसलिए लोकसभा कुलीन तंत्र का प्रतीक है। और तीसरी कॉमन सभा, कॉमन सभा वहां पर लोकतंत्र का प्रतीक, क्योंकि इसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसे तीन चीजें एक साथ वहां पर कार्य करते हैं, इसलिए इसको मिश्रित संविधान कहा जाता है। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र। राजतंत्र सम्राट, कुलीन तंत्र लोकसभा, लोकतंत्र कॉमन सभा। ये तीन संस्थाएं तीन चीजों का प्रतिनिधित्व करती है। आनुवंशिक एक प्रजातंत्रवादी तत्व है। लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं या सम्राट आनुवंशिकता के आधार पर अपना पद ग्रहण करते हैं। सम्राट हम मान कर सकते आनुवंशिक पद है। राजा की मृत्यु के पश्चात जो भी उसका ज्येष्ठ उत्तराधिकारी होता है वो पद ग्रहण करता है। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी आनुवंशिक ही है, अधिकांश सदस्य आनुवंशिक है। एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो उत्तराधिकारी होता है वो लोकसभा के मेंबर के रूप में सदस्य के रूप में अपना पद ग्रहण करता है। इसलिए ये आनुवंशिकता के तत्व है। और प्रजातंत्रवादी तत्व है इस रूप में कि कॉमन सभा लोकतंत्र का प्रजातंत्र का प्रतीक है। और लोग कॉमन सभा में जो भी व्यक्ति होते हैं वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। और इन सब में सबसे भारी सबसे प्रमुख अगर कोई है तो वह लोकतंत्र प्रजातंत्र, यानी कॉमन सभा के हाथ में सारी शक्तियां। मंत्रिमंडल भी कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल को हटाने का अधिकार भी कॉमन सभा ही रखती है। कॉमन सभा में बहुमत का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। इसका मतलब वहां पर इन सब तत्वों में सबसे भारी तत्व है वो है प्रजातंत्र। और अगला अधिकार पत्र का अभाव, अधिकार पत्र नहीं, अधिकार पत्र इस रूप में जैसे भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से अधिकार पत्र है। मूल रूप में सात अधिकार दिए गए थे, बाद में एक अधिकार समाप्त कर दिए गए। अच्छा अधिकार अभी भी है, अलग अधिकार पत्र है, अलग अलग अनुच्छेदों में उनका वर्णन किया गया है। इस प्रकार का कोई भी अधिकार पत्र जिसमें व्यक्तियों के अधिकारों की चर्चा की गई हो ब्रिटिश संविधान में नहीं है, उसकी ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, जिसे लिखित रूप में अधिकार पत्र भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह कहता ही नहीं है कि ब्रिटेन के लोग या ब्रिटिश जनता अधिकारों से वंचित है। वहां पर अधिकार समय के साथ कानून के द्वारा दिए गए हैं। और जैसे कि यहाँ लिखा हुआ 1689 का अधिकार पत्र, इसका मतलब एक अधिनियम बनाया गया, कानून बनाया गया, जिसके माध्यम से लोगों को स्वतंत्रताएं और अधिकार प्रदान किए गए। ब्रिटिश लोग उतने ही स्वतंत्र हैं, उतने अधिकार संपन्न हैं जैसे विश्व के अन्य लोकतंत्रात्मक देश के नागरिक। इसलिए ब्रिटिश लोग भी अधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो ये है ब्रिटेन का संविधान और ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। ये जो बातें अपने अभी तक की है ये मोटे मोटे रूप में ब्रिटिश संविधान का ढांचा है कि ब्रिटिश संविधान में ये सब चीजें देखने को मिलती है। अब आगे अपन जो बातें करेंगे वो अलग अलग संस्थाओं में करेंगे, समय के साथ जो भी चीजें आएगी हम उनका अध्ययन करेंगे और उनमें हम सभी जो संस्थाएं हैं उनकी बारी बारी से बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।